हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरी स्टेक एंड ब्लॉग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में आज हम बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट बात करने वाले, सॉल्यूशन करने वाले हैं कि जिन जिन का भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक या फिर पेटीएम वॉलेट ब्लॉक हो चुका है, किन किन यूज करने से आपको ब्लॉक हो जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। उसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको देने वाला हूँ, और ये करेक्ट सॉल्यूशन है, प्रूफ्ड है, ठीक है। 24 आवर्स के अंदर आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मैं आप गारंटी लेता हूँ। तो चलिए अपने आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले अगर मेरे चैनल पर नहीं आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल, लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगे। अगर थोड़ी सी भी आप मदद हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आज इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं कि कैसे यह पेटीएम अकाउंट जो है ये ब्लॉक हो रहा है, ठीक है। ये यूजर्स गलतियाँ कर रहे हैं, इसके वजह से पेटीएम जो केयर है, पेटीएम का एजेंट्स होते हैं, उन सभी बंद कर दे रहा है, ठीक है। कैसे हो रहा है मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ लिखा गया है पेटीएम की तरफ से, मैं आपको साइड में स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप पढ़ लेंगे कि पेटीएम वॉलेट जो है वो क्यों ब्लॉक हो रहा है। पहली बात तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि एक पर्सन का होता है, एक आधार कार्ड होता है, एक पैन कार्ड होता है, वोटर कार्ड होता है, ठीक है। सेम एक ही नाम का 3 अकाउंट होता है, ठीक है। और जब हम लोग पेटीएम का जो अकाउंट ओपन करते हैं, मतलब पहले बार जब हम लॉगिन करते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए, तो हमको एक ही डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, या फिर आधार कार्ड दीजिए या फिर वोटर कार्ड दीजिए या फिर पैन कार्ड दीजिए। तो बहुत सारे यूजर्स ऐसे भी करते हैं कैशबैक लेने के लिए कि एक अकाउंट खोल दिया आधार कार्ड से, एक अकाउंट खोल दिया वोटर कार्ड से, और एक अकाउंट खोल दिया पैन कार्ड से, 3 अकाउंट हो गया 1 सिंगल पर्सन के नाम पे, ठीक है। तो अभी पेटीएम जो है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो चुका है, और वो अब चेक कर रहा है कि किन किन के अकाउंट सेम नाम पे, बहुत सारे अकाउंट्स हैं, ठीक है। अब बनाए हैं 3-4 अकाउंट बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन और दूसरे का आधार कार्ड वोटर कार्ड दीजिए, ठीक है। ये जो है ये इसलिए हो रहा है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि आप जो पेमेंट, और एक बार आप जब पेमेंट लेते हो, समझिए एक कैशबैक है 150 रुपीज़ का, दो ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या करते हो, एक ही नंबर पे बार बार करते हो, आपको मिल जाता है कैशबैक, ठीक है, लेकिन वहाँ पर वो काउंट हो जाता है कि आप एक ही नंबर पे बार बार ट्रांजेक्शन कर रहे हो और कौन कौन से अमाउंट कर रहे हो, ठीक है। चांसेस होता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए, तो आप ऐसे मत कीजिए। आप 3-4 जो फ्रेंड्स होते हैं उनको आप पकड़िए और उससे आप पेमेंट कीजिए, ठीक है। और जो है कि आप एक ही, और एक है आप बिजनेस अकाउंट का बनाते हो एक, और वो बिजनेस अकाउंट में आप हमेशा एक ही अमाउंट का ट्रांजैक्शन करते हो और सेम ट्रांजैक्शन करते हो, क्योंकि आपको कैशबैक लेना है मर्चेंट के थ्रू, तो ये मत कीजिए आप, ठीक है। और उसके अलावा ऐसे कुछ मैसेज आपको दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, तो आप देख सकते हो ये है ओरिजिनल मैसेज आप। हाँ, और एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ, इस दौरान बहुत सारे फ्रॉड्स ऐसे भी है जो आपको मैसेज करेगा कि आपका जो अकाउंट है वो आप, मैं हम लोग खोल देंगे कि ये लोग की आपको आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा, ठीक है। यूज़र आईडी और पासवर्ड आप बिल्कुल ही मत दीजिए, क्योंकि पेटीएम हमसे कभी भी आईडी पासवर्ड नहीं मांगेगा, ठीक है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। जो ब्लॉक हो रहा है वो दो तरह का ब्लॉक कर दिया जा रहा है, एक है टेम्पोररी ब्लॉक और एक परमानेंट ब्लॉक कर दिया जा रहा है। टेम्पोररी जो ब्लॉक है वो इधर 1 वीक के लिए और 1 महीने के लिए ब्लॉक कर दिया जा रहा है, वो आप दोबारा से ओपन कर सकते हो। लेकिन जो परमानेंटली ब्लॉक कर दिया उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, लंबा सा प्रोसेस है, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे एंड तक, अब देखते रहिए आपको सारा जानकारी मिलते रहेगा, ठीक है। और अभी तक अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक से बहुत ही मोटिवेट होता है और अच्छा लगता है, तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्यूशन क्या है, आप सभी को पता है कि प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन सॉल्यूशन पता नहीं, ठीक है। और पता भी है तो गलत हो सकता है, तो आप एक बार सुन लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन एक बहुत ही ईजी सॉल्यूशन है, जो कि पहले तो आप एक पेटीएम अकाउंट ओपन कर लीजिए, जो ओपन है वही आप ओपन कीजिए और वहाँ पर हेल्प सेक्शन में जाइए, ठीक है। हेल्प सेक्शन जाने के बाद आप उस कस्टमर जो केयर है उससे बात कीजिए, हेल्प मांगिए कि ऐसे ऐसे हो चुका है। अभी मैं आपको गारंटी देता हूँ मैं अभी और नहीं करूँगा, और मुझे मेरा सारे अकाउंट ब्लॉक कर दीजिए और एक ही अकाउंट में ओपन कर दीजिए, जिससे मैं ट्रांजेक्शन या फिर मेरा काम कर सकूँ, ठीक है। और आप ये भी बोल सकते हो मुझे पता नहीं था कि ऐसे करने से आप अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, मैं गारंटी लेता हूँ मैं इसके बाद वाला जो है कभी नहीं करूँगा, अब बोल सकते हो।
बट ये जो है ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, 5 to 6 days का टाइम लेगा। लेकिन और एक मेथड है जो कि बहुत ही इजी मेथड है और ये 24 to 48 hours के अंदर ये गारंटीड आपको अकाउंट ओपन करके देगा, ठीक है। वो है ट्विटर अकाउंट। आपको एक ट्विटर अकाउंट बनाना है, कैसे बनाना है यूट्यूब में देख लीजिएगा, बहुत ही ईजी प्रोसेस है, ठीक है। ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। और इसके अलावा पहली बात तो मुझे कमेंट करके ये बताएगा कि किन किन के अकाउंट ये से ब्लॉक हो रहा है और कौन कौन सा वॉलेट ब्लॉक हुआ है, ठीक है। सेव ये हो रहा है बहुत सारा, मतलब अगर आपका वॉलेट ब्लॉक हो चुका है ये मतलब ये नहीं कि आपका पेमेंट्स बैंक भी ब्लॉक हो सकता है, नहीं। आप जहाँ पर ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन करोगे वहाँ वहाँ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, चाहे वो पेमेंट्स बैंक हो या फिर वॉलेट हो, ठीक है। तो ये समझ में लग लीजिएगा। और एक जो मैं बोला ट्विटर अकाउंट, अब वहाँ पर ट्विटर अकाउंट बना लीजिएगा, वहाँ पर आप लोग सर्च कीजिएगा पेटीएम केयर, ठीक है। उनका नाम ही बहुत सारे फ्रॉड सबको मिल जाएगा, लेकिन ब्लू टिक वाला जो होता है वो वेरीफाइड होता है ट्विटर से, तो वही ओरिजिनल है, ठीक है। फॉलो करने के बाद आप वहाँ पर मैसेज कीजिए, हेल्प मांगिए, हाय लिखिए और उनका प्रॉब्लम बताइए। वो लोग आपका प्रॉब्लम पहले समझेगा, फिर उसके बाद आपसे थोड़ा पूछताछ करेगा आपके बारे में, आपके अबाउट सेक्शन मैच करेगा। मैच होने जाने के बाद आपको KYC करने के लिए आपका डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ेगा, ठीक है। वो आधार कार्ड भी हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है, आपका बैंक का जो स्टेटमेंट होता है जो ईमेल में आता है हर महीने वो भी मांग सकता है, ठीक है। आप उसे दे दीजिए, क्योंकि कोई डरने की कोई बात नहीं, वो फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि वो जो है वो ओरिजिनल वेरीफाइड है, आप केयर को दे रहे हैं, पेटीएम केयर को, ठीक है। दीजिए आपका 24 hours या 48 hours के अंदर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये गारंटीड प्रूफ्ड है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ये हो चुका है, मुझे खबर भी आया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल लव टिकन ब्लॉग ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। और अगर आपने अभी तक मेरे पिछले जो वीडियोस है रियलमी के ऊपर आपने तो नहीं देखा तो चाहिए, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। और उसके बाद वाले वीडियो भी मैं बना रहा हूँ तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।